यूक्रेन पर हर दिन हर घंटे कहानी बदल रही है। एक दिन पहले लग रहा था कि युद्ध टल जाएगा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन का तनाव विश्व युद्ध में बदलेगा। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब इस तनाव में चीन की एंट्री हो गई है और भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। अब सवाल है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसका साथ देंगे, पुतिन का या फिर यूक्रेन के समर्थन में खड़े अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। चीन का फैसला क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रूस ने 24 घंटे में कैसे यूक्रेन को घेर लिया और किस तरह पिछले 24 घंटे से काला सागर से लेकर बेलारूस तक जंगी जहाज, लड़ाकू विमान और S-400 की गर्जना कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बाइडेन की धमकी, पुतिन का धमाका। काला सागर में रूस के जंगी जहाज और जहाज से आग उगलते हथियार, यह है पुतिन की नौसेना के शक्ति प्रदर्शन का नया वीडियो। रूस का यह युद्ध अभ्यास यूक्रेन के साउथ बॉर्डर पर हो रहा है। अब इस आवाज की गूंज सुनिए। यह गूंज रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की है, जो यूक्रेन, अमेरिका और उसके मददगार देशों को चैन से सोने नहीं देगी। यूक्रेन के साथ अगर युद्ध होता है तो रूस के सैनिक किस तरह S-400 से विरोधी सेना के हमले को नाकाम करेंगे, इसकी तैयारी हो रही है। अमेरिका को भी पता है कि रूस के S-400 की ताकत क्या है। रूस ने S-400 की इन दो बटालियन को बेलारूस भेजा है, जहां दोनों देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास होने जा रहा है। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस का सुखोई 35 फाइटर प्लेन भी ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए बेलारूस पहुंच चुका है। बेलारूस यूक्रेन की तरह ही रूस का पड़ोसी देश है, लेकिन यूक्रेन की तरह रूस का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। अब रूस ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर लिया है। एक तरफ काला सागर है, जहां रूस की नौसेना दुश्मनों को तबाह करने की तैयारी में जुटी है। दूसरी तरफ बेलारूस बॉर्डर के जरिए, जहां रूस के लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, वहीं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर रशियन आर्मी के 1,00,000 से ज्यादा सैनिक डटे हुए हैं। यूक्रेन और रूस के जो रिलेशनशिप है वो काफी खराब हो गए हैं और लड़ाई जैसा माहौल पैदा हो गया है, और रूस ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर लिया है, क्योंकि यूक्रेन ने एक्साइज के बहाने अपने काफ़ी ट्रूप्स बेलारूस में भेजे हैं, जो कि नॉर्थ में हैं। वहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि सबसे बड़ा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी लगाया है। तो एक माहौल जो है बिल्कुल लड़ाई जैसा पैदा हो गया है, और एक मुझे लगता है कि रूस बहुत प्रेशर डाल रहा है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका रूस के खिलाफ जितना सख्त रुख अपना रहा है, व्लादिमीर पुतिन उतनी ही सख्ती के साथ पलटवार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 27 जनवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका हर हाल में यूक्रेन का साथ देगा। रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खबर ये भी है कि जो बाइडेन ने अमेरिका में मौजूद रूस के 27 राजनयिक को देश छोड़ने को कहा है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी दी है कि रूस की 85,000 करोड़ रुपए की गैस पाइपलाइन परियोजना को रोक देंगे। रूस की ये परियोजना यूरोप तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने की है। जहां तक भारत का सवाल है, तो इस पूरे मामले को हमारा देश किस तरह से देख रहा है, ये आप विदेश मंत्रालय के बयान से समझ सकते हैं। We have been closely following the developments relating to Ukraine, including the ongoing high-level discussions between Russia and the US. Our embassy in Kyiv is also monitoring local developments. We call for a peaceful resolution of the situation through sustained diplomatic efforts for long-term peace and stability in the region and beyond. Ukraine se vivad mein na Putin jhukne ko taiyar hai
न बाइडन रुकने को तैयार, और उस पर से अब चीन की एंट्री भी हो चुकी है। तो अब क्या होगा, युद्ध चलेगा या तनाव वर्ल्ड वॉर में बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।